सो गाइस फाइनली हमारा डोसा बन गया है। अब वेट करते हैं। डोसा नहीं, ढोकला बन गया। ओ ढोकला। सो गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। एंड गाइस अभी हम बनाने जा रहे हैं ढोकला, मतलब मैं, मेरी मम्मी। सो गाइस चलो चालू करते हैं। सो गाइस हमने एक बॉल में चने का आटा लिया है, मतलब बेसन और नमक, और अभी मम्मी डाल रही है शक्कर, दो चम्मच शक्कर। सो अभी क्या डालना है? अभी थोड़ा सा हल्दी गिरेगा इसमें और पानी पानी पानी। अभी इसमें जाएगा गाइस पानी। डालो पानी, डालते डालते खोलना पड़ेगा इसे। क्या डाला? अच्छा रवा। तो गाइस याद रखना, हमने डाला है चने का आटा, पानी डालेंगे हम और चीनी नमक। अभी रवा डाल रहे हैं। खुल 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 खुल। रवा कितना डालते हैं? दो चम्मच रवा। दो चम्मच है? दो तीन चम्मच। तीन चम्मच रवा डाल दिया। अब इसको पानी में डाल के घोलेंगे। इसको कब तक घोलना करते हैं? हाँ इसको कब तक घोलने करते हैं? जब तक आटा मिल जाए अच्छा सा। लेकिन एक पकड़ना चाहिए। क्या पकड़ना चाहिए? मतलब एक ही सर्कल में घूमने का, एक ही सर्कल, ये मतलब ऐसा घुमाते रहने का। तो एयर पकड़ लेगा, मतलब हवे पकड़ लेगा, तो ढोकला अच्छा फूकेगा। चलो सही है। कितना? 5 मिनट करने का था और 10 मिनट करने और 10 मिनट। चलो गाइस अभी इसको 5-10 मिनट घुमाते हैं, तब तक आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थोड़ा देर ढक के रखने का, फिर बाद में इसमें ये ना मिलाने का, नींबू मिलाने का। सो गाइस हमने इसे अभी ढक के रख दिया है, बीच में डालेंगे नींबू। पहले थोड़ा सा नींबू का रस साइड में निकाल के डायरेक्ट उसमें डालने का, बीच हटा कर। वो खट्टा लग रहा है। करता देखे पानी तो आएगा। तो एक ही साथ में लिखा लेती हूँ बीच। चलो अभी डालेंगे इसमें, फिर से फिट नहीं। तो गाइस हमने इसमें हरी मिर्ची, कोतिमीर और अदरक लिया है और हम इसमें कूट के इसमें डाल देंगे। तो गाइस हमने वो कोतिमीर, मिर्ची और जिंजर इसमें डाल दिया है, अभी टेस्ट के लिए, स्वाद के लिए। ये मम्मी स्टाइल है, वैसा कहीं डोसा में डालता नहीं है, मम्मी का अपना स्टाइल है। फिर से इसे ढक के रख देंगे। सो गाइस हमने इस एक कढ़ाई में पानी लिया है और उसके अंदर जो नींबू हमने निचोड़ा था वो डाल दिया है, ताकि जो कढ़ाई है वो काला ना हो ज़्यादा पक कर। एंड गाइस अभी इसमें हम तेल लेंगे थोड़ा सा, मस्त इसके अंदर फैला के इसके अंदर वो बटर डालेंगे। बटर नहीं, बेटर। बेटर, I can't say better। ये लास्ट में हम इनो डाल देंगे, जिससे कि ढोकला फूगे। थोड़ा सा डाला नहीं तो सुबह उठकर जाना पड़ेगा। ओह
वाह ये यहाँ पे क्या कर रहा है, फिर इसे फेंट कर उसके अंदर डाल देंगे। वाओ देखो गाइस इतना घट होना चाहिए ढोकला, ढोकले का इसका बेटर बेटर ना। मस्त बन जाएगा, कितना आधा किलो का है। अब डाल देंगे हम इसको कढ़ाई में, इसको पकने देते हैं। कितने घंटे तक? 45 मिनट्स। चलो गाइस 45 मिनट्स इसको पकने देते हैं। 45 मिनट्स के बाद खोलेंगे। A few minutes later. So guys, हम पहले एक बार चेक करेंगे कि पका है कि नहीं। अभी पका नहीं। कैसे मालूम पड़ता है? ये आटा लग जाता है ना, तो अभी पका नहीं। Okay. जब पूरा क्लियरली आएगा ना। हाँ, मतलब विदाउट आटा दिखेगा तो पक गया। Okay. जब तक ये ढोकला पकता है, तब तक हम चटनी की तैयारी करेंगे। इसमें क्या क्या डाला है आपने? अदरक लहसुन और मिर्ची कोथिंबीर और यहाँ पे मुझे पुदीना और नमक भी दिख रहा है, काला नमक। सही है। सो गाइस अभी प्रदीप जी भी आ गए हैं मम्मी स्टाइल ढोकला चखने के लिए। आई एम एक्साइटेड। सो गाइस अब ढोकले को लगा रहे हैं तड़का, हमने इसमें डाल दिया है मीठा तेल और राई और थोड़ा सा येगा। और ये सब गिरेगा इसमें, मिर्ची कड़ी पत्ता। डालो अब आवाज आएगा मस्त वाला, अभी आवाज आएगा मस्त वाला जब इसमें कड़ी पत्ता जाएगा ना। मिर्ची का थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। काला नहीं होएगा? नहीं, सर। पानी भी डालेंगे। इसमें जाएगा शक्कर, ये क्या है? नींबू का पानी। हो गया ढोकला बन जाने के बाद हम ये तड़का ढोकले को पड़ा देंगे। तो गाइस हम फिर से निकाल के चेक कर रहे हैं हुआ है कि नहीं। अब हो गया, कुछ दिख नहीं रहा यहाँ पे, सब क्लियर, ऑल क्लियर गाइस। अब वो भी पक गया है पानी वाला तड़का, मैं निकालेंगे थोड़ी देर के बाद। तो गाइस हम अभी इसको निकालेंगे। अब क्या, थोड़ा सा पानी छिड़केंगे इसके ऊपर। प्लेट में कुछ नहीं डालते तेल या कुछ, चलता है। इस चांद में भी थोड़ा सा दाग होता है। वाव सॉफ्ट लग रहा है एकदम।
खुशबू मस्त आ रही है। वाव 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 वाव। बन गया हमारा ढोकला। अब इसके अंदर चटनी बनाने के लिए मम्मी पता नहीं ढोकला थोड़ा सा ढोकला इसके अंदर डाल रही है, ये मुझे थोड़ा सा रिस्की लग रहा है, देखते कैसा होगा। बस अब डालेंगे इसमें ये तड़का ढोकले के लिए। सो गाइस फाइनली हमारा डोसा बन गया है, अब वेट करते हैं। डोसा नहीं ढोकला बन गया। ओह ढोकला, सॉरी गाइस बोलते बोलते कुछ भूल गया मैं। सो गाइस हमारा ढोकला बन गया है फाइनली। और बनो स्वीटिंग हो गई, स्वीटिंग हो गई, पता नहीं मम्मी क्या रोल लगा रही है कन्नड़। अब यहाँ पे बनेगा चटनी इसमें। बंदे सो गाइस फाइनली हमारा ढोकला बन गया है, चलो अभी से खाते। तो गाइस अब देते हैं प्रदीप भाई को। प्रदीप भाई टेस्ट करके बताइए कैसा लगा। मस्त है, वाह। चलो गाइस मम्मी ने फाइनली डोसा एकदम मस्त बना लिया है। डोसा बोल रहा हूँ बार बार, ढोकला है, ढोकला मस्त बना लिया मम्मी ने। तो ये मेरे लिए भी आ गया है, खाते हैं अब। सो गाइस ढोकला बहुत ही मस्त बना था, एंड हाँ चटनी थोड़ी सी तीखी बनी थी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग वाज वेरी टेस्टी। सो इसी के साथ गाइस फिर ये व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। तब तक के लिए आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अगर कोई सजेशन हो या फिर अप्रिशिएट करना हो। टिल देन बाय बाय।